वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों वेलकम टू ISCS ऑनलाइन। ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों हर रोज की तरह आज मैं फिर उपस्थित हूँ 25 सवालों के एक सेट को लेकर, जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस जो आपके CHSL और NTPC के हैं उनको ध्यान में रख के तैयार किया गया है। दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग रैपिड फायर राउंड का वो सवाल जो आपके लिए छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों सवाल है, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? VG धामले, वी शांताराम, विमल राय या फिर दादा साहब फाल्के। तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दादा साहब फाल्के। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज के रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल। दोस्तों पहला सवाल है, नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? श्री वेदव्यास, श्री तुलसीदास, भरत मुनि या फिर कश्यप मुनि। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है, विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी या फिर लॉरेंस कंपनी। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी। तो दोस्तों याद रखें ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है दोस्तों, जो कि जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइल मरकैप्टन या फिर मिथाइल मरकैप्टन। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इथाइल मरकैप्टन। दोस्तों याद रखें रसोई गैस जिसे हम LPG कहते हैं वास्तव में वो गंधहीन होता है। दोस्तों उसमें जो गंध होता है उसे अलग से, जिसे मिथाइल इथाइल मरकैप्टन कहते हैं, उसी के गंध से पता चलता है कि गैस में रिसाव हो रहा है और इसी के लिए उसमें मिलाया गया है ताकि जब रिसाव हो तो पता चल सके। दोस्तों जिस जो गंध हमें मिलता है वो इथाइल मरकैप्टन का होता है ना कि LPG का। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर। फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? डेंगू, फाइलेरिया, इबोला बुखार या फिर चिकनगुनिया। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इबोला बुखार। दोस्तों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव। टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? जयराम रमेश, APJ अब्दुल कलाम, सलमान रुश्दी या फिर नटवर सिंह। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जयराम रमेश। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स। बौद्ध संरचना धामे की स्तूप कहां पर है? सारनाथ, सांची, कोणार्क या फिर महाबलीपुरम। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेवन। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश से डैश अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं, 1 से 10, 12 से 35, 36 से 51 या 112 से 135। दोस्तों द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। तो दोस्तों मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। संविधान का, दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन अधूरा है, ध्यान रखें ये है यहाँ पे 99वां, याद रखें 99वां, ठीक है दोस्तों। तो ये 99वां
दोस्तों संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? भारत में जीएसटी शुरू करना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त करना, या फिर बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा का समझौता? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। दोस्तों 99वें संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के विचार किए गए, लेकिन बाद में इसे उच्चतम न्यायालय ने अवैध करार दिया और फिर से कॉलेजियम की जारी रखा गया, जो कि 99वां संशोधन से पहले लागू था, उसे फिर से कॉलेजियम सिस्टम को लागू किया गया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। न्यूजीलैंड को कौन सा रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सफेद और नीला, सफेद और हरा, लाल और हरा, पीला और हरा। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सफेद और नीला। तो दोस्तों याद रहे न्यूजीलैंड में सफेद और नीले रंग को सुनामी की चेतावनी के संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 93वां संशोधन या फिर 94वां संशोधन? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी 93, यानी कि 93वां संशोधन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया, नाइजीरिया, घाना या फिर दक्षिण अफ्रीका? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। दोस्तों तंजानिया में ही किलिमंजारो है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? पोंटियनक, कैरो, पोर्ट ब्लेयर या फिर अधिस अबाबा? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पोंटियनक। दोस्तों पोंटियनक भूमध्य रेखा यानी कि विषुवतीय रेखा 0° अक्षांश पर पड़ता है, जबकि भारत करीब करीब 700 किलोमीटर दूर पड़ता है। किससे? विषुवतीय रेखा से, यानी कि भूमध्य रेखा से। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरीन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम कैसे लिखते हैं, N2NO2। ठीक है दोस्तों, NO2 को क्या डेंटल चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने किले का निर्माण किया? कोचीन, गोवा, कराईकल या फिर बैंगलोर? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? चादर, लंगा यानी कि किल्ट, सरोंग या फिर किमोनो? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, किमोनो। तो किमोनो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? मदन मोहन मालवीय, वी डी सावरकर, शरद चंद्र या फिर बटुकेश्वर दत्त? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वी डी सावरकर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ या फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक पहाड़ियाँ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर यानी कि सदिश या राशि है, सदिश मात्रा है? समय, तापमान, दूरी या फिर वेग? तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वेग। वेग क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। सिपाही बगावत कहाँ से प्रारंभ हुई? झांसी, कानपुर, लखनऊ या फिर मेरठ? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मेरठ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। तो दोस्तों याद रखें बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, नूर जहां, रजिया सुल्तान या फिर मुमताज महल? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? शुंग, गुप्त, शिशुबाग या फिर चोल? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए शुंग। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। काला सोना क्या है? अपरिष्कृत सोना, पेट्रोल, कोयला या फिर कार्बन? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल। दोस्तों याद रहे कि पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है, जबकि कोयला को ब्लैक डायमंड यानी कि काला हीरा कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इज किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? जयचंद, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रपीड या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का रैपिड फायर राउंड समाप्त होता है। हम फिर अगले दिन उपस्थित होंगे कुछ नए सवालों को लेकर, जिसका हम कलेक्शन आने वाले एग्जामिनेशंस जो आपके एनटीपीसी और सीएचएसएल के अभी तत्काल आने वाले हैं उन पर बेस्ड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों हम समाज अध्ययन या सभी समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अलावा भी हम लोग इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस के भी वीडियोस डालते हैं, और यदि आपको उन सारे वीडियोस को भी देखना हो तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज रैपिड फायर राउंड वाइंड अप करने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल है अहमदनगर कि किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? दोस्तों सवाल एक बार फिर से देख लें, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? रानी दुर्गावती, जीनत महल,
चांद बीबी या फिर रजिया सुल्तान? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे अवश्य करें, यह सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।